राम राम जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 5:47 हुआ। मैं उठी थी थोड़ी देर पहले ना, चाय के लिए पानी रखा था, तो बारिश लगी है। तो बाहर ऐसा करते हैं, देखो छोटा मोटा सामान रहता है ना बाहर, इसको तो जरूर धो। तो उठाते ही नहीं शाम को। और अभी कुछ देखना पड़ेगा, कुछ और तो नहीं होगा बाहर। ये तो कहीं अच्छा बाहर ही है, तो इसको मैं फिलहाल तो यहीं कर देती हूँ अंदर ही ना। आज तो बारिश लग गई भाई, अपने पुराने कौशल में कर देते हैं इसको। खिड़कियां दरवाजे वगैरह लग जाएंगे ना, फिर ठीक रहेगा। ये देख सकते हैं, बारिश लगी है, देखो ये देखो। ये रख दिया मैंने मंजा मेरा भीग जाना था। और ट्राईपोड भी ना, इसमें वो लग जाता है जंग सवेरे सवेरे। और कह रहे गया बाहर, ये बीज थे इनको रख देते बाहर। तो और अच्छा ये भी नीचे जो को बिछा के रखती हूँ कभी कभी इसको। चलो बारिश ठीक ही लग गई, हट हट के ठंड हो रही है, हट हट के। कुछ और तो नहीं होगा उठाने को सामान। और मैंने गैस के ऊपर रखा पानी, सामान उठा लिया। वैसे और तो कुछ नहीं है, अचानक से लग गई बारिश। ऐसा था तो कुछ था नहीं, शाम को बादल वगैरह। चलो जी, रखी गई थी गर्म करने, मैंने गर्म पानी पीना, मैंने गैस के ऊपर रखा। मेरे को बताया था कि इसने क्या गीजर का मत पिया करो, सुबह सुबह भाग दो। तो मैंने इसमें गर्म किया। अरे देखो यहाँ पे जो 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 कितनी वो कर रहा है कि जाना, मैंने भी जाना। नमस्ते हो रही है, नमस्ते बेटा, नमस्ते जो जी, सुन ली मैंने। अच्छा ले जाऊंगी तेरे को, ले जाऊंगा अपने बच्चे को। ये ना सुबह सुबह ना, मतलब मैं जाती हूँ ना घास को, तो ये नमस्ते लग जाता है करने। ये सोचता है कि मतलब मेरे को भी मम्मा ले जाएगी घास को। और तो चलो निकलते हैं, और क्योंकि फिर मुझे लगता है कि बारिश बताई आज। मैं गूगल पे, मैं और जो आ चुके हैं घास को, जो वहाँ पे बैठा हुआ, मेरे पास 3-4 पूड़े हो गए। और घास भी ऐसा ही है, छोटा छोटा जैसा घास है। अब ना कैमरे की स्क्रीन कितनी क्लियर हो गई है ना, ये मैंने ग्लास इसमें फिर से नया डलवाया। और मौसम वैसा ही आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमारा गाँव भी बिल्कुल सामने दिखता है। देखो वो हमारे खेत इस साइड है, यहाँ मेरी उंगली जा रही है पार सामने, यहाँ पे मेरे खेत है और ये हमारा गाँव है। और बहुत ही प्यारा सा, देखो कितने क्लियर घर दिख रहे हैं ना, अब कितनी क्लियरिटी आ गई भाई। फोन तो मेरा बिल्कुल नया हो गया सही में। और चलिए थोड़ा सा घुमाती हूँ कैमरा। तो ये देखो सामने की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं ना। तो आज एक बहुत ही बुरी घटना हुई हमारे शिमला में, शायद आप लोगों को पता भी लग चुका है। शिमला जो कि हमारे महजी 40 किलोमीटर दूर है, मतलब हमारे दिल्ली यहाँ से बस जाती है, आप लोगों को पता है। तो वहाँ पे एक मतलब बीती रात को, आज है 27-25 की रात की बात है, शायद 25 और 26 की रात की, मतलब रात की बात है ऐसा बोल रहे हैं। मैं सुबह ही न्यूज़ सुन रही थी ना, मैं तो हैरान रह गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए
आज फिर एक माँ ने अपने बेटे को गंवा दिया। मनीष कुमार, उम्र सिर्फ 20 साल, 2003 का उसका जन्म बता रहे थे उसके मम्मी पापा, और वो इतने रो रहे थे, कुछ भी नहीं था। अगर जिन लोगों को पता नहीं, जो कि मैंने न्यूज़ सुनी सुबह सुबह मैंने न्यूज़ सुनी, तो बात ये थी कि ऐसा बताया जा रहा है। अब ये सही जो पता है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि हुआ क्या, लेकिन एक मनीष कुमार जो है चौपाल का रहने वाला, कुप्पी का, शिमला के अंतर्गत ही आता है ये, और वो वहाँ का वो वेकअप कैफे है एक शिमला में, पुलिस कंट्रोल रूम के बिल्कुल सामने। हैरानी की बात है, मतलब अब कहीं भी सेफ नहीं। और हिमाचल की पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि मतलब इतना रहते हुए माल रोड, एक ऐसा जो बाजार है माल रोड ऊपर, जो जहाँ पे हर टाइम पुलिस तैनात रहती है, और एक शांत सा, क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, और एक VIP एरिया है वो, तो वहाँ पे पुलिस रहती है और शांत जैसा रोड है वो, और वहाँ पे कैफे, तो उसमें जो एक बच्चा ही था 20 साल का, मेरे हनी की डेट ऑफ बर्थ 2004 है, तो उसकी 2003 थी, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसने कि वो बताया जा रहा है हरियाणा के सिरसा का। और सोचो आप कि उसने उसकी हत्या, उसको बहुत सारे वार कर दिए थे उसने रात को। बताने में सुनने में ये आ रहा है कि वो जो है ना, जो वहाँ का हरियाणा का था जो युवक जिसने ये इस काम को अंजाम दिया, वो चोरी कर रहा था, ऐसा बोल रहे हैं कि वो चोरी कर रहा था, और जो मनीष था चौपाल का हिमाचल प्रदेश का, उसने उसको देख लिया था, वो साथ वाले के उसमें था, तो उसने उसको देख लिया, तो फिर उनमें कहा सुनी होती है। अब ये तो पता आरोपी के मिलने के बाद ही लगेगा कि हुआ क्या था एक्चुअली में। और उसने ना उसके ऊपर बहुत सारे बार, जो गंडासा होता है उससे बहुत सारे बार कर दिए थे, और वो वहाँ से फरार हो गया। सोचो आप, फिर वो मनीष उसी हालत में जाता है, महज मतलब ऐसे है, इस साइड को है वो कैफे, और सामने जो है तो एक रोड का ही फासला है, सामने कंट्रोल रूम रिपोर्टिंग रूम जो पुलिस का, तो वो अंदर थे। पुलिस वाले उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि रात को जब ड्यूटी होती है तो ड्यूटी करनी चाहिए, तो अंदर बैठने का क्या मतलब था, और क्या उनको इतने नज़दीक इतना सारा वो हुआ, क्या उनको पता नहीं लगा। तो वो बेचारा गया, और उसने मतलब वो उससे नहीं, वो इतना ज़्यादा जख्मी था कि उससे दरवाजा भी नहीं नॉक हुआ जा रहा, तो उसने वो गंडासा मारा उसके ऊपर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो गंडासा मारा उसने, और मतलब दरवाजा टूटा, शीशा टूटा जब कंट्रोल रूम का पुलिस के, तो वो टूटा वहाँ से, तब पुलिस वाले बाहर आए, तब उन्होंने देखा, तो उतने को मनीष बेहोश हो चुका था जितने को बाहर आए बस। और फिर उसको फटाफट से IGMC ले जाया गया, IGMC ले जाते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इकलौता चिराग, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, 2 बेटियाँ हैं उनके, और उम्र महज 20 साल, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या खून खोल गया उस बंदे का कि मारने तक के उसने ये नहीं सोचा कि उनके घर का मतलब एकमात्र बुढ़ापे का सहारा जो था वो उसने ख़त्म कर दिया। तो उसने बस, उससे खून बहुत बह चुका था, और इस वजह से जो है वो नहीं बच पाया। बहुत ही शर्मनाक, एक हिमाचल जैसे शांत प्रदेश की ये बात है, और दिन प्रतिदिन ऐसी अगर वारदातें बढ़ती जा रही हैं, ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, तो कौन सेफ समझेगा अपने आप को, कोई भी महफूज नहीं समझेगा। तो खैर वो तो है, लेकिन जो माँ बाप जो बयान दे रहे थे वो कह रहे थे कि सबसे पहले, अच्छा हाँ, फिर वहाँ से आरोपी पता लगा है, उसको ट्रेस किया गया कि वो चंडीगढ़ पहुँच गया है, और कैसे वो रातों रात वहाँ से बस स्टैंड भी गया, और जबकि वो उसको वार करते ही वो एकदम से पुलिस के सामने, तो पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम, वो पकड़ा जा सकता था, वो एकदम नाकाबंदी कर दी जाती, परमाणु से होके जहाँ से होके भी हो गया, तो बस स्टैंड गया वो, वहाँ से उसने बस पकड़ी होगी चंडीगढ़ के लिए। तो मतलब हैरानी की बात है, मुझे समझ नहीं आई ये कानून व्यवस्था। और जो आप में से इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानता होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो बंदा रातों रात चंडीगढ़ पहुंच गया, और किसी को कानून मतलब खबर तक नहीं हुई और पता तक नहीं लगा। तो पुलिस बोल रही है कि हम जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेंगे उसको, और उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि पहले हम डेडी बॉडी नहीं देंगे, पहले जो है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो
हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही मांग है एक सोशल मीडिया पर होने के नाते। मैं भी यही चाहती हूँ और मैं सबसे यही बोलूँगी कि उस बच्चे के लिए इंसाफ मांगिए, उस बच्चे के लिए इंसाफ होना चाहिए और आरोपी को जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार किया जाए, वो जहाँ भी है। आजकल तो इतनी ज़्यादा सुविधा है, अब तो टाइम लगता ही नहीं है ना, लेकिन पता नहीं क्या बात क्यों देरी हो रही है, लेकिन हो जाता है। तो जो भी है, लेकिन बहुत बुरा हुआ, एक माँ ने अपने बिल्कुल यंग है, उसकी माँ उसका बाप इतना रो रहे हैं। तो अभी बोल रहे थे 14 महीने पहले उसने जो वहाँ पे आया था बेचारा, कि हम गरीब थे, हम पढ़ा नहीं सके, तो फिर वो आ गया था प्राइवेट सेक्टर में, जॉब ही समझो, वहाँ पे जॉब ही कर रहा था, तो कैफ़े का मालिक इतने हिमांशु कुछ ऐसे करके बता रहे थे, पता नहीं। तो अब ये मैंने सुना है, जो भी मैंने सुना वो मैंने आप लोगों को सुना दिया, बाकी आप लोग ज़रूर बताना जो जो जहाँ से भी होगा। और बहुत ही बुरा हुआ, और उसकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रे करना, और माँ बाप को भगवान ये दुख सहन करने की ताकत दे, ये भी भगवान से प्रार्थना करना। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पता नहीं असली बात क्या हुई होगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरे भी बेटे हैं, मेरे भी दो बेटे हैं, और कि बच्चों को बस इतना पता नहीं आ रहा, माँ बाप तो यही कहते हैं, मैं ये भी नहीं बोलूँगी, लेकिन बस मैं सब बच्चों से, अपने बच्चों से भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी के साथ बहस मत करिए, फालतू के उसमें मत पड़िए, बस अपने काम से मतलब रखिए। तो अब पता नहीं, और इतना मतलब इतना क्यों कर देते हैं आप, इतना कहाँ से आप एक बार ऐसा कदम उठाने से पहले, किसी को मारने से पहले सोचो कि उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी, वो तो बेचारा चला जाएगा, एक बार ज़रूर सोचो कि उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, बस यहीं पे आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर से बैठ जाब, तो ध्यान रखिएगा अपने बच्चों का, अपने आसपास ऐसी कोई घटना होती है ज़रूर आप भी शेयर किया कीजिए, और एकदम से जो है बताना होता है अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कहीं भी जाके। लेकिन अब सबके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, जैसे भी होगी अगली अपडेट, किसी को नहीं पता होगा तो फिर मैं ज़रूर बता दूँगी अपने चैनल पर, मैं भी उसमें सुन रही थी न्यूज़ चैनल पर। ठीक है, जय माता दी।